कि अगर आप सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं, अगर उसी को रोजगार मानते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, इस देश में इतनी बड़ी आबादी में सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है। ये संभव ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या आपके पास डाटा है कि 2014 के बाद देश में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई? अगर है तो बताइए। उससे पहले हर साल, हर 2 साल पर पता चलता था, कभी बम्बई में बम धमाके हो गए, कभी दिल्ली में बम धमाके हो गए, कभी अहमदाबाद में बम धमाके हो गए। आज मुझे ये बनाइए कि जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, उसके बाद से मुझे ये बताइए कि देश में कहीं भी अगर बम धमाकों की या फिर ऐसी आतंकवादी घटनाओं की अगर ऐसी कोई सूचना मिली हो तो मुझे भी बताएं। आम जनता के मन में जो सवाल आए दिन उठ रही है, उस पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे बीच बात करने के लिए बीजेपी से अक्षय आर्या जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में आपका। तो अक्षय आर्या जी, हमारे जनता की जो समस्या अभी पैदा हो रही है, बहुत सारी समस्या आ रही है, चाहे महंगाई पे हो, पेट्रोल डीजल हो, या बहुत सारी बात है, उस पे बात करेंगे आज आपसे हम, और उम्मीद करेंगे जो हमारे जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका आप जवाब दे सके। जी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, आपने यह बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेगी, और जहाँ तक बात यह है कि महंगाई जो है आसमान छू रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आपने इस चीज़ के लिए मुझसे सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों में भी ये संदेश जाना चाहिए कि आखिर सरकार क्या सोचती है, चूँकि हम लोग की बैठकें होती हैं और बड़े नेता आते हैं, तो हम लोग भी ये सवाल उनसे करते हैं। और आपका ये बहुत ही जायज सवाल है कि महंगाई बढ़ गई है। एक सामान्य परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ या आप हों या यहाँ जो भी है, सब कोई इससे परेशान है। ये जो महामारी अभी हमारे देश में फैली हुई है, और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो फैली हुई है, ये आपको याद, मुझे नहीं लगता है कि मेरे अपने जीवन में या आपने अपने जीवन में या आपके पिताजी ने या मेरे पिताजी ने अपने जीवन में कभी सुना होगा कि रेल ठप हो गई, चाहे पैसेंजर हो, लोकल हो, एक्सप्रेस हो, पूरा का पूरा रेलवे ठप था। ये इतनी बड़ी महामारी थी। आज हम लोगों का जो कहते हैं सावन में कांवर, अभी सावन आने वाला है, ऐसा कभी नहीं हुआ युग युगांतर में कि कांवर यात्रा रुक गया हो, वो यात्रा रुक गया। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये कोविड, ये कोरोना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने परिवार में देखेंगे कि आपके परिवार में अगर विपत्ति आ जाती है, कोई बहुत बड़ी अगर विपत्ति आती है, तो आर्थिक रूप से आप निश्चित होता है कि कमज़ोर होते हैं। जब बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, जब आप उस परेशानी को टैकल करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पॉकेट से धन खर्च होता है, आपकी आय सीमित रहती है। अगर आपके घर में कमाने वाले होंगे तो उनकी सैलरी जो है या उनकी आय जो है वो सीमित है, लेकिन खर्च बढ़ जाता है। आज हमारे देश में भी यही हुआ है। कई लोग नाराज हैं कि भाई बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ऐसा, बीजेपी वैसा। आप यकीन मानिए कि ये बीजेपी ही है कि हम लोग इस तरीके से सरवाइव करने में, हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों की मदद कर रहे हैं, एक सामान्य आदमी की मदद कर रहे हैं। आज भी अगर 80 करोड़ घरों में मुफ्त का राशन जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करवा रही है। आज भी अगर हम मुफ्त में कोरोना का टीका लेकर के इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये प्रधानमंत्री जी का ही, ये उनकी ही सोच है, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया है। अब इस महंगाई से लड़ने के लिए, जैसा कि मैंने अभी, हम लोग डिबेट में भी थे, तो हम ये चीज़ बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था अपनी पटरी से उतर चुकी है, जो सप्लाई और डिमांड का चेन है वो चेन अभी गड़बड़ हो चुका है। और जब आप सप्लाई डिमांड की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से है, इसमें अगर कुछ प्रतिकूल समस्याएं आएंगी तो इन्फ्लेशन होगा, और अभी इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, इसी चीज़ से लड़ने के लिए जो टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है, या फिर पैसा कुछ चीज़ों में जो दाम बढ़ रहा है, और आपको पता होगा कि अभी अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, लॉकडाउन था, पिछले साल भी लॉकडाउन रहा है, इस साल भी लॉकडाउन रहा है। तो सोचिए कि दो दो वित्तीय वर्ष में अगर तीन तीन चार चार महीने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? तो महंगाई सबसे बड़ी वजह जो है महंगाई का, यही है। आपने ये कहा कि वैश्विक महामारी फैली, इस वजह से महंगाई है, और बहुत सारी बात है,
तो हमारी जनता का कहना है कि इसके कारण कौन है, ये जो वैश्विक महामारी फैली है? अब देखिए, एक मैं आपका अभी जो जवाब, जो भी आपके सवाल हैं, जनता के रूप में ही मैं दे रहा हूँ। चूँकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो पार्टी की भी बात रखूँगा, लेकिन जनता की तरफ से भी मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा इस वैश्विक महामारी के पीछे कारण क्या है। अब ये कारण तो आपको चीन से जाकर पूछना होगा। कम्युनिस्ट वाले कभी नहीं कहेंगे कि ये चाइनीज वायरस है, क्योंकि उनका जो हृदय है वो चीन में ही बसता है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश। ये वायरस आया कैसे, ये वायरस आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हम लोग बिल्कुल कहने में इसे परहेज ना करें कि ये चाइनीज वायरस है। ये वुहान शहर से जब उठ के आया और विश्व के सभी देशों में फैला, हमारे देश में भी फैला, तो भारत इसके लिए तैयार नहीं था कि कुछ इस तरह की बीमारी भी आ सकती है अचानक। अक्षय जी, इस पे हम एक लाइन कहना चाहेंगे। हमारी जो जनता है उनका ये कहना है, जब आपको पता था कि यह चीन से महामारी फैल रही है या चीन से यह बीमारी आई है, तो जिस समय बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे लोग, जिस समय कहीं ना कहीं ट्रेन से आ रहे थे, हवाई जहाज़ से आ रहे थे, कहीं ना कहीं कोई सुविधा से आ रहे थे, तो लोग वहाँ पे सरकार पहले रोक क्यों नहीं लगाई? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ, जब ये शुरू हुआ था, शुरुआत के समय में जब 2020 में जब पहला केस आया था, तो वो महिला केरल की थी जो वुहान शहर से आई थी। और जैसे ही वुहान शहर से ये शुरू हुआ, भारत सरकार ने तत्काल सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग बढ़ा दी थी। और ऐसा संभव नहीं था कि हठात सब चीज़ रोक दिया जाता। जो बाहर दूसरे देश में थे उनको अचानक से वहीं पर, हालांकि हुआ भी यही, तुरंत आनन फानन में लॉकडाउन किया गया, लेकिन तब तक कुछ जो है पेशेंट्स जो थे इस वायरस से वो हमारे देश में आ चुके थे। अब एक जिम्मेवार नागरिक होने का मतलब ये होता है कि अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, सरकार अगर कह रही है कि आप चीन से आ रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम आइसोलेट करें। उस महिला ने ये नहीं किया, वो आई और सीधे अपने राज्य चली गई। वहाँ कई लोगों को फिर उससे ट्रांसमिट हुआ। ये कुछ लोग और आए, आपने सुना होगा कनिका कपूर एक एक्टर थी शुरू में, वो आई और एक पार्टी में चली गई, वहाँ फिर कई लोगों को फैला, जिसके वजह से उस पर FIR भी दर्ज कराया गया। तो ये एक नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी को कब समझेंगे, ये भी सोचना होगा। सब चीज़ सरकार पर थोपना कि सरकार ने ये, अगर सरकार बंद कर दी होती तो ये सवाल आप शायद अभी हमसे ये पूछ रही होती कि सरकार ने अचानक कैसे बंद कर दिया। देखिए, कई लोग बेघर हो गए, कई लोग अपने घरों से दूर हो गए, तो सरकार ने समय दिया कि आप इतने समय के दरमियान जल्दी से अपने देश, अपने घर वापस आ जाएं। अगर आप ही अभी अपना घर छोड़कर केवी स्टूडियो में और अचानक यहाँ ताला मार दें कि आप केवी स्टूडियो में ही बंद रहिएगा, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब एक मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि एक नागरिक के नाते हम रिस्पॉन्सिबल बने। और सरकार जैसे कह रही है कि आप जाकर टीका लें, देखिए कई लोग अभी भी टीका नहीं ले रहे हैं। हमारा ये दायित्व तो है कि हम जाकर टीका लें। कई लोगों को यह भी कहना है कि वैक्सीन की कमी है। जैसा कि 2-3 दिन पहले मैं गई थी एक कोरिया बांध पे, तो वहाँ पे एक युवा थे, मैंने उनसे यह सवाल किया कि क्या आपने वैक्सीन लिया, तो उन्होंने, उनका जवाब यह था कि वैक्सीन है कहाँ पे जो मैं जाकर करवाऊं। देखिए, ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है जब ऐसा सुनने को मिलता है कि वैक्सीन नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि जीविका के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जगह जगह कैंप लगा करके वैक्सीन दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले वैक्सीन दिवस भी मनाया गया था, टीका दिवस मनाया गया था, और कई जगह पर दिनकर भवन में और कई जगहों पर खाली रह गया था स्लॉट, लोग जा ही नहीं रहे थे वैक्सीन लगाने के लिए। शायद आपने भी कवर किया था एक स्टोरी कि SDO साहब और BDO साहब वगैरह लोग गए, तो लाठी लेके महिलाएं खड़ी थी कि अगर टीका के लिए बोलेगा तो लाठी से मारेंगे। टीका वापस लौट के जा रहा था, टीका लेने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए अगर ये कहता है कि टीका उपलब्ध नहीं है, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। कल मैं पटना गया था और मैं आपको बता दूं कि अपोलो हॉस्पिटल वहाँ जो है, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा, भीड़ थी, कई लोग आ रहे थे, टीका ले रहे थे, जा रहे थे। टीकाकरण अभी भी हमारे बेगूसराय में टीकाकरण, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई चेन बाधित हो जाता है, जिसके वजह से 1-2 दिन 4 दिन टीकाकरण रुक जाता है कि टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब टीका उपलब्ध हो तो लोगों का ये काम है कि जाकर के लें। आप देखिएगा कि एक मैं ये चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा तो मैं बता दूं कि एक खास
समुदाय के लोग अभी भी टीका को लेकर के उनमें इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, वो जाकर टीका नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना होगा। और टीका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, दो चार दिन अगर बाधित होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि टीका उपलब्ध नहीं है। मेरा आपसे एक और सवाल है जो मेरे जनता के मन में और खास करके जो अभी युवा हैं उनके मन में आ रहे हैं, आपने जो रोजगार के वादे किए थे वह पूरे नहीं हुए, क्या वास्तव में पकौड़ा तलना ही रोजगार समझा जाए? देखिए, ये कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि पकौड़ा तलना। देखिए, सरकार भी बार बार ये कह चुकी है कि अगर आप सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं, अगर उसी को रोजगार मानते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, इस देश में इतनी बड़ी आबादी में सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है। ये संभव ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। और चूंकि सीमित है, जो भी पोस्ट हैं वो सीमित हैं। प्राइवेट सेक्टर में अभी लगभग एक वर्ष या दो वर्ष में स्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कि लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि रिसेशन भी हो गया और कंपनियां भी घाटे में जा रही थी, लॉकडाउन ही था, सब चीज़ बंद था। स्किल डेवलपमेंट पर भारत सरकार बहुत जोर दे रही है, कौशल विकास पर, इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। तो ये अब ऐसा समय है कि लोगों को अपना कौशल, अपना स्किल डेवलप करना होगा और तभी जा कर के रोजगार परक जो हम लोग काम है वो कर सकते हैं। सरकार कई तरह की ऐसी योजनाएँ भी चला रही हैं जिसमें कि रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही सीमित, बहुत ही कम ब्याज पर लोगों को राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, लोन दिया जा रहा है कि आप अपना रोजगार करिए, आप अपना घर चलाइए, पैसे कमाइए। लेकिन अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी को ही मानते हैं कि यही सिर्फ रोजगार हुआ, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। देश में नोटबंदी के क्या फायदे हुए? आपने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंक बाद की घटना बंद हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए, आपका सवाल कि नोटबंदी के फायदे और आतंकवाद, तो नोटबंदी के जो फायदे हुए वो अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे तो कई ऐसे जो ब्लैकलिस्टेड जो छोटी छोटी कंपनियां थी जिन पर फर्जी वो कंपनी बना करके चल रहे थे, वो सारी कंपनी बंद हो गई। अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे कि कई ऐसी छोटी छोटी कंपनियां जो फर्जी रूप से चल रही थी वो सारी की सारी कंपनी बंद हो गई। नोटबंदी के फायदे और भी हैं। हमारे देश में जो उस समय जितनी भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, उन सब वो सब फ्रीज हो गए, वहाँ जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया। और दूसरी जो बात आपने कही कि आतंकवाद, नोटबंदी आतंकवाद, क्या आपके पास डाटा है कि 2014 के बाद देश में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई? अगर है तो बताइए। उससे पहले हर साल, हर दो साल पर पता चलता था, कभी बम्बई में बम धमाके हो गए, कभी दिल्ली में बम धमाके हो गए, कभी अहमदाबाद में बम धमाके हो गए। आज मुझे ये बनाइए कि जब से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, उसके बाद से मुझे ये बताइए कि देश में कहीं भी अगर बम धमाकों की या फिर ऐसी आतंकवादी घटनाओं की अगर ऐसी कोई सूचना मिली हो तो मुझे भी बताएं, मैं भी जानूं कि अगर हाँ, बॉर्डर की अगर बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, तो वहाँ हालात हमेशा से रहते हैं, टेंशन वाला माहौल रहता ही है। कश्मीर बॉर्डर की बात अगर आप छोड़ दें तो हमारे देश में सिविलियन इलाकों में कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना इन 7 वर्षों में कहीं नहीं हुई, जो कि हर एक साल पर होता था, हर दो साल पर होता था। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खुले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं प्रयास कर रही है, जबकि केंद्र और बिहार दोनों जगह इन्हीं की सरकार है? देखिए, ये आप कैसे कह सकते हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास नहीं कर रही? हमारी जनता का सवाल है। जनता का सवाल है, तो जनता को मैं ये बता दूं और ये ऑन द रिकॉर्ड भी है कि पिछले विधानसभा सत्र में हमारे माननीय बेगूसराय विधायक आदरणीय कुंदन भैया ने इस सवाल को बहुत पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया था कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया, और फिर जब बेगूसराय बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो ये माननीय विधायक के संज्ञान में ये चीज़ है कि इस चीज़ को भी फिर से उठाया जाएगा कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना बेगूसराय में हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय के नेता और कार्यकर्ता सभी प्रतिबद्ध हैं कि हमारे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो।
और छात्रों को इतना दूर दरभंगा नहीं जाना पड़े। दिनकर जी के नाम से हमारे बेगूसराय में ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना जल्द से जल्द हो, ये हम सब की मांग है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी, हमारी जनता के मन में यह सवाल आ रहा है, आप कोई भी बिल या विधायक लाते हैं बिहार में जदयू उसके खिलाफ हो जाता है, जबकि यह आप भी कहते हैं कि यह एक डबल इंजन की सरकार है, तो फिर दोनों में इतना मतभेद क्यों साथ होकर सरकार चला रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है। ठीक दो या तीन दिन पहले हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी का कार्यक्रम हुआ था बेगूसराय में और उन्होंने ये चीज़ बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा कि बीजेपी और जदयू के बीच ऐसा कोई भी टेंशन वाला माहौल नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक बिल और विधेयक की बात है तो जो भी बिल और विधेयक आते हैं उसमें दोनों सरकार दोनों पार्टियों की सहमति रहती है। कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों, चूँकि पार्टी दो है, याद रखिए एक ही पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, जदयू अलग पार्टी है, जदयू की अपनी विचारधारा है, तो जरूरी नहीं है कि सरकार में रहते हुए दोनों हर मुद्दे पर साथ हों, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधारा की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना रहा है कि कुछ चीज़ों पर, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, कि यूपी में जिस मॉडल से, जिस तरीके से हुआ है, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, हर राज्य को ऐसा करना चाहिए। जदयू की हो सकता है अपनी सोच हो, हालांकि जदयू के प्रवक्ता की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और बाकी जितने भी बिल हैं, जितने भी विधेयक हैं, जितने भी मुद्दे हैं, इस पर जदयू और भाजपा दोनों का सकारात्मक रुख ही रहा है, दोनों साथ साथ ही निर्णय लेते आए हैं, और यही कारण है कि दोनों की सरकार चल रही है, नहीं तो सरकार कब टूट बिखर गया होता, दल अलग हो गए रहते। लेकिन चूंकि हर मुद्दे पर हम लोग साथ हैं, हर मुद्दे पर दोनों पार्टी साथ है, हर मुद्दे पर, हर बिल पर, हर विधेयक पर दोनों पार्टी साथ मिलकर के निर्णय लेती है, इसीलिए हमारी ये एनडीए की सरकार चल रही है। तो चलिए एक और सवाल है हमारे जनता और खास करके हमारे युवाओं का, कि आपकी सरकार जब आई थी और अभी भी है तो वैकेंसी की कमी हो गई है, जिस वजह से रोजगार में जो बोल रहे हैं बेरोजगारी देखी जा रही है, जहाँ पे 8,000-10,000 वैकेंसी आती थी वहाँ पे 2,000-3,000 वैकेंसी ला रही है सरकार, ऐसा क्यों? देखिए जो वैकेंसी की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप सरकारी नौकरियों को मानते हैं कि यही रोजगार है तो मैं उसे नहीं मानता हूँ। और वैकेंसी की बात तो अभी अभी देखिए कि बड़ी संख्या में दरोगा में, सब इंस्पेक्टर में, हमारे बेगूसराय जिला से कई लड़कियाँ और कई लड़के पास हुए, अभी बीपीएससी में इंजीनियरिंग सेवा का और फिर बीपीएससी का सबका रिजल्ट आया है, कई विद्यार्थी हमारे बेगूसराय से क्वालिफाई किए हैं और अन्य जिला से भी कई छात्र जा रहे हैं, तो जिनमें क्षमता है, जिनमें काबिलियत है, वो अभी भी पास कर रहे हैं, उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। और बहुत बड़ी संख्या में अगर आप कहेंगे वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में थोड़ा सा ये बदलाव लाना होगा कि हम सरकारी नौकरी के भरोसे ही ना बैठें, कि सरकारी नौकरी, चूँकि जिस तरीके से हर साल हर बैच में नए नए स्टूडेंट और इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा विद्यार्थी आ रहे हैं, ये संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही मिल जाए। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि ब्लॉक में कितने युवा, कितने यूथ काम कर रहे हैं, आप बैंक चले जाइए देखेंगे कि कितने युवा काम कर रहे हैं, और भी अन्य अगर आप क्षेत्र में जाएंगे सरकारी क्षेत्रों में तो देखेंगे कि युवा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक दायरा है, एक वो सीमित दायरा है कि उतने ही लोगों को नौकरियाँ मिल सकेंगी। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा लोगों में ये जागरूकता लाइए कि रोजगार परक वो पढ़ाई भी करें और सीखें भी, कौशल, अपने कौशल विकास को दर्शाएं, जो भारत सरकार कई सारी योजनाएं लेकर के भी आई है इसके लिए, उन योजनाओं से अवगत करवाएं कि लोग सरकार के दिए गए योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें, जहां कि बहुत ही मिनिमम दर पर ब्याज, मिनिमम ब्याज पर लोगों को लोन दिया जा रहा है, लोग लोन की सुविधा दी जा रही है कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर और भी आगे इस पर होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, सरकार इस पर कर रही है। हमारी जो जनता है कहीं ना कहीं आपकी सरकार से खुश नहीं है और आए प्रतिदिन आपकी सरकार वैसा ही काम कर रही है जिससे जनता को जो नाखुश देखा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने अभी अपने सवाल के क्रम में दूसरे सेंटेंस में कहा कि
कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे ना खुश, ऐसा क्या कर रही है? पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए आप, पेट्रोल डीजल पर फिर आगे। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो अर्थव्यवस्था है आपको समझना होगा। मैंने आपके घर का भी एग्जांपल दिया, अपने घर का भी एग्जांपल दिया कि अगर हमारे घर में कोई भी अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हमारा ही बैंक बैलेंस हिल जाता है। अगर कोई अचानक से कुछ घर में अगर परेशानी आ गई, कोई ट्रबल आ गया हमारे घर में, उससे टैकल करने में हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, हमारा इनकम जो है, आय जो है वो बहुत सीमित है। तो आखिर सरकार करे तो क्या करे? अभी जो ये वैश्विक महामारी, ये जो कोरोना जो हमारे देश में इसका इतना बड़ा हाहाकार मचा है और हर जगह अस्पताल और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट का उसका व्यवस्था करवाना और फिर ये टीकाकरण, ये सर आखिर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ करके, कहीं टैक्स बढ़ा करके तो उस चीज़ को लाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इतने दिन लॉकडाउन रहा, इतने दिन बंद रहा, सारा मार्केट बंद रहा, हर चीज़ बंद रहा, तो उसका इम्पैक्ट आपको अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये यही कारण है कि डीजल पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री ने भी कहा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस चीज़ को सरकार संज्ञान में ले रही है और जैसे जैसे ये अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, लॉकडाउन का असर खत्म होगा, सप्लाई और डिमांड का चेन जिस तरीके से वो बैलेंस में आएगा, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से, मैं इसी स्टूडियो में बैठूंगा और आप ये कहेंगे कि देखिए कि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो अपने सामान्य स्वरूप में, अपने सामान्य दर पर आकर के टिक गया है, तो ये होगा। अच्छा अच्छा आर्या जी, मैं आपसे अंतिम में एक सवाल लेना चाहूँगी। जो अभी कंडीशन चल रही है आपकी सरकार की, हमारी जनता में, जनता के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाखुश है, आने वाले समय में क्या आपको लगता है बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? आप ये बार बार शब्द जो इस्तेमाल कर रही हैं कि सरकार से नाखुश है, मैं ये नहीं मानता हूँ। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है और यही कारण है कि आपने पिछले वर्ष बिहार चुनाव में देखा कि हम लोग इतनी सीट लाए, 118 सीटों पर लड़े थे और 74 सीट जीते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार से खुश नहीं है? इसके पीछे कुछ तो तथ्य होना चाहिए, अभी का जो कंडीशन है अक्षय जी, मैं उस पे बात कर रही हूं, आपको क्या लग रहा है कि इस पे सरकार बना पाएगी या नहीं? पिछले वर्ष तो बना लिए जी, 2020 में बना लिए, अब आप 2021 में बात कर रही हैं, 2022 में कुछ और सीन होगा, तो ये तो मूड जो है ये तो बनता बिगड़ता रहता है। इसमें आपकी सोच हो सकता है कि आप अभी घर में अपने गार्जियन से नाराज हैं, घर से नाराज होकर क्या है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद घर जाएंगे, आपका फिर वही रूप रहेगा कि भाई नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जब वोट देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सही रहेगा और ये सोच करके भी वोट देते, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता। पिछले वर्ष हमें बहुत अच्छा सीट मिला बिहार में और इसलिए हम सरकार चला रहे हैं, हमारी पार्टी सरकार में है और आने वाले चुनाव में भी हम लोग अच्छा करेंगे, जनता का भरोसा रहेगा तो फिर से सरकार में आएंगे। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं। हाँ, अभी का जो समय है उस समय से ज़रूर नाखुश हैं कि जब लोग परेशानी में रहते हैं तो पीड़ा अपनी किससे शेयर करते हैं? अपने गार्जियन से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं, और यही अपनापन है कि लोगों में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी है कि भाई इस महामारी से हमें निजात दिलाइए। और इसके लिए सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इस समस्या से निजात दिलवा सकें। और इसके लिए फिर मैं कहूँगा एक बार आपके स्टूडियो के माध्यम से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टीका लीजिए। अगर आप टीकाकरण करवाएंगे तभी आप इस कोविड से लड़ पाएंगे, अन्यथा ये महामारी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। चले अक्षय आर्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपसे बस एक और आखिरी सवाल जाते जाते लेना चाहूँगी कि यह के वी स्टूडियो के यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं तो कई दिनों से, महीनों से, जब से ये के वी स्टूडियो शुरू हुआ तब से जुड़ा हुआ रहा हूँ, कई डिबेट में आया, इंटरव्यू में आया, और डॉक्टर रोशन सर का और आप पूरी टीम का ये बड़ा ही अच्छा संदेश जाता है लोगों के बीच में कि अगर आप में किसी भी क्षेत्र से हैं, अगर आप में टैलेंट है तो आपके टैलेंट की कद्र केवी स्टूडियो करेगा, आपकी आवाज़ को जनता तक केवी स्टूडियो पहुंचाएगा। और इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। और इसका जो स्वरूप है, इसकी जो लोकप्रियता है, वो मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन निखरता ही जा रहा है। आपका जो ये परिवार है केवी स्टूडियो का, वो दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जा रहा है।
इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, टीम में कई नए चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब टीम बड़ा होता है इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, लोगों के बीच आपके बारे में अच्छी और सकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं। और मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर रोशन सर के साथ, आपकी पूरी टीम के साथ है कि आप लोग और भी अच्छा करें। ये तो सिर्फ बेगूसराय जिला में अभी आप लोग चर्चा में हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों का नाम रोशन हो, बिहार में रोशन हो, पूरे देश में रोशन हो, और केवी स्टूडियो एक नेशनल चैनल, एक नेशनल स्टूडियो बन के उभरे। इस चीज के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए अच्छा आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। कहीं ना कहीं अगर परिवार में सदस्य बढ़ते हैं तो परिवार बड़ा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करूंगी जो भी जनता भी देख रही है, चाहे वो बेगूसराय की हो या ऑल ओवर बिहार की जनता हम लोग को देख रही है, उनके मन में जो आए प्रतिदिन बीजेपी को लेकर जो सवाल उठ रहे हो उनका जवाब यह प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को मिल गया होगा। तो इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी आप सभी से अलविदा। अलविदा लेने से पहले आप सभी से अपील करूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो हमारा जो दो चैनल हो चुका है, केवी स्टूडियो बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार जो कि आप जानते ही थे, तो दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ इसी तरीके किसी दूसरे एपिसोड के साथ, तब तक आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।